मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर की मीठी चटनी। यह मीठी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यह आप 15 दिन से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। यह बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। ये 1 किलो टमाटर है, इनको साफ पानी से धुल के पोंछ कर रख लिए हैं। ये देसी टमाटर है। ये सारी सामग्री है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ है, घिसी हुई गरी है, कटी हुई गरी है, किशमिश और पोस्ता दाना। 1 बड़ा चम्मच पोस्ता दाना है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इनको टमाटरों को इस तरह से हमको काट के रख लेना है, बड़े बड़े टुकड़े। 250 ग्राम चीनी, 100 ग्राम गुड़। गुड़ डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। पर फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन के बटन दबाने से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपके पास बहुत ही आसानी से आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। 1 कढ़ाई में हम सरसों ऑयल लेंगे, 3 बड़े चम्मच। सरसों ऑयल गर्म होने पर हम सौंफ डालेंगे और पोस्ता दाना। पोस्ता दाना चटकने पर हम टमाटर को डालेंगे। इसको टमाटर को हमको चलाते हुए 5 मिनट तक पकाना है। इससे पानी निकलता है बहुत, और तेज आंच कर लें। इसी तरह से हमको चलाते हुए पकाना है। जब टमाटर पानी छोड़ने लगे तो उसमें गुड़ और चीनी को एक साथ डालना है और 1/2 चम्मच नमक डालना है। नमक डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो मत डालें, लेकिन नमक डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनता है। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने से इसमें थोड़ा चटपटापन आ जाता है। इसी तरह से हमको 10 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को डालना है। अगर आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट और डालना चाहती हैं तो और भी कोई भी डाल सकती है। इसी तरह से आपको चलाते हुए पकाना है मध्य आंच पे। जब इस चटनी में पानी सूख जाए तो इसको एक बर्तन पे निकाल कर सर्व करेंगे। इसको आप पराठा, पूड़ी, नान, रोटी के साथ इसको सर्व कर सकती हैं। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू वॉच।